उन्होंने अपने नाम का केक भेजा, अपने नाम का केक, बहुत बड़ी बात हो गई। आज अबान अपने अब्बा की जगह पे बैठे हुए हैं। मैं मैंने सारे कपड़े टाए के। बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरा बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई नमस्कार आदाब, कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कौन है दिन का ब्लॉग में आप सभी का वेलकम करता हूँ मैं अबान ब्लॉग्स में। तो आज आप लोग पहले ये बात सुन लीजिए, भर भर के लाइक करिएगा क्योंकि मैं हूँ एक रोजदार बच्चा। तो आज जो है अब्बा गए इवेंट में और आप देख सकते हैं कि अब्बा ने कितनी बढ़िया बढ़िया लाइटें लगाई। ये देखिए पूरे पर्दे पे अब्बा ने यहाँ पे लाइट लगाई है, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और अब्बा गए हुए हैं इवेंट में, इसलिए आज मैं अम्मा की अपनी मदद करने वाला हूँ। मैं और अम्मा है रोजा, इसलिए अम्मा कर रही है अभी कुकिंग, तो मैं और अम्मा मदद करने वाले। तो अभी मैं अम्मा के साथ डस्टिंग करने में मदद करने वाला हूँ, तो चलिए अभी डस्टिंग करते हैं। और टिम मेरी सो रही थी यहाँ पे, कैमरे की आवाज सुन के उठ गई। कपड़े उठाना है वो धुला हुआ, तो अब मैं इन कपड़े को ताय भी कर देता हूँ बढ़िया सा। तो आ गए ऊपर, अब मैं डालूंगा यहाँ पे पानी, तो चलिए चलते हैं। अम्मा नीचे अभी भी कुकिंग कर रही है, लेट्स गो। यहाँ पे पाइप पड़ा है, इसको उठा लेते हैं फटक से और पानी चालू कर देते हैं। मैंने सारे कपड़े टाई कर दिए, तो देख सकते हैं मैंने सारे के सारे कपड़े तय कर दिए। टिम को उधर ले डाल दिया और अम्मा मैंने सारे कपड़े तय कर दिए। अफ्तार का टाइम हो गया, जल्दी से जल्दी चलते हैं, तो चलिए जल्दी चलते हैं। यहाँ पे दस्तरखान बैठ चुका है, दिल ने दस्तरखान जीता है, दावत इश्क है। यहाँ पे आ चुका है हमारा अफ्तार इफ्तार, और आज था आशा पुप्पी का बर्थडे, इसलिए उनको हैप्पी बर्थडे वेरी वेरी टू यू। तो उन्होंने भेजा है बहुत सारा केक जो मैं और अम्मा खाएंगे मिलके। फेक मिल ही नहीं रहा, पता नहीं केक कहाँ गया, मिल गया। उन्होंने अपने नाम का केक भेजा, अपने नाम का केक, बहुत बड़ी बात हो गई, अपने नाम का केक भेज दिया आशा पप्पी ने। तो आज अबान अपने अब्बा की जगह पे बैठे हुए हैं और दुआ की दरख्वास्त है अल्लाह ताला से
और बहुत ही सन्नाटा लग रहा है आज, हम दोनों अकेले हैं। तो आज हमने ये किचन का भी पर्दा चेंज कर दिया, ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। और कल नहीं हमने कहा था क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक थी, और बहुत ज्यादा इन्होंने काम कर डाला था, तबीयत भी खराब थी, तो इसीलिए आज हमने ये किचन का पर्दा चेंज करा दिया। बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये हमने इस पर लाइटें भी लगवाई हैं जैसे कि कल हमने बताया था, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ी सी लाइटें कम पड़ गई हैं जो हम मंगाएंगे, क्योंकि जो पहले से रखी थी ना तो वो खराब हो गई थी, तो इसमें साइड में रह गई है, तो उसके लिए लाइट मंगाएंगे हम। और चलते हैं बाहर, जो पर्दे उतारे थे हमने, तो जो पर्दे हमने उतार के रखे थे आज हमने वो भी धो डाले हैं सारे। ये देखिए एकदम अच्छे से धुल गए हैं सारे पर्दे। जो क्रीम वाले पर्दे थे वो धो के फैला के आए, और ये भी अब ले चलेंगे ऊपर फैला देंगे और उठा के रख देंगे। बहुत बड़ा काम हो जाता है, ये पर्दे बेडशीट वगैरह जब गंदी होती है और धुल जाती है तो बहुत बड़ा जिसे लगता है काम हो गया, तो ये भी चलते हैं फैला देते हैं। और माशाल्लाह अबान ने कपड़े बहुत अच्छे से तय करके रख दिए, दिल एकदम खुश हो गया है। जब ये नहीं रहते हैं तो अबान मेरी बहुत हेल्प कराते हैं, तो अब उठा के और जैसे हम काम करते हैं अल्लाह का शुक्र है, वैसे ही अबान ने किए हैं। ये मेरे कपड़े जो अलग तय किए हैं, ये इनके अब्बा के कपड़े हैं अबान के, और ये अपने सारे कपड़े हैं जो अबान ने तय करके रखे हैं। तो तीनों के कपड़े अलग अलग रख दिए हैं, अब हम इसे उठा के रख देंगे सारे। तो अबान बहुत ज्यादा शुक्रिया, मेरा बच्चा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं अम्मा, आपकी मदद करना मेरा बच्चा। और ये कुछ दवा वगैरह निकाल लें अपने लिए, क्योंकि इनके हो रही है सर में दर्द, तो अभी हम दे रहे हैं दवा। रुक जाइए,